मॉम देखो यार, कभी मैंने ये सब काम में माँ का या दादी का हाथ नहीं बटाया। हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। हाल बेहाल है क्योंकि कल हमने सुनाया आपको कमलगढ़ का हाल है। क्या पोएट्री हो रही है, कल बोलती बंद थी भाई साहब। तो ऐसा है कि हम दोनों हाल की बातचीत करते रहेंगे, एक तो मेरे गेहूं की हाल और दूसरा कमलगढ़ की। ऐसा है ना कि कुछ लोगों ने बोला है कि गेहूं नहीं धोते, पर मैंने देखा है मॉम को हमेशा जब भी पहले कि वो धोया करती थी ताकि गेहूं में जो वो डालते हैं ना कीटनाशक, वो अगर हैं तो वो धुल जाए क्योंकि जनरली वो डाला जाता है। तो इसलिए मैं भी वॉश कर रही हूँ। वॉश करने से याद आ रहा है कमलगढ़ फोर्ट, वहाँ हम पसीने से खुद को वॉश कर रहे थे भाई साहब। जब हमने जर्नी शुरू की ना, तब मैं बड़ी टिप टॉप थी, एकदम जोश से भरी हुई, बाल खुले, हैट पहना हुआ, लिपस्टिक लगा हुआ, ओहो हो, और ऐसे जोशी की तरह साउंड करी थी जैसे बस आपको मैं रास्ता बताती जाऊंगी और आपको तो भैया अगर वहाँ पहुँचना है तो बस मेरा वीडियो देखना पहुँच जाओगे। ये गलत फहमी मुझे थोड़े दूर बढ़ने के बाद पता चली कि भैया रतन गाइड तू सिर्फ कंफ्यूज कर रही है पब्लिक को, कुछ डायरेक्शन नहीं दे रही है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन आप दे ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर जाकर कोई भी आइडिया नहीं रह जाता, वो भटकाव हो जाता है। कहते हैं कमलगढ़ फोर्ट की चढ़ाई के लिए ना नीचे से गाइड लेना होता है और वो सैटरडे संडे को होता है, वीकडेज पे वहाँ गाइड्स नहीं होते। फिर आपको कहीं पता करना पड़ेगा, नीचे गांव में आप पूछ सकते हैं तो कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। पर पता है वहाँ पर जब हम लोग बीच रास्ते में पहुँचे थे, मैं तब भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट थी कि कोई नहीं, और वो कॉन्फिडेंस एक तरीके से देखा जाए ना तो मुझे गाली खाने का डर था कि यार एक बार तो अधूरा छोड़कर आ गई हूँ कमलगढ़ फोर्ट, अब दोबारा भी अगर अधूरा छोड़ के आ जाऊँगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे, और लोग में सबसे पहले खड़ा होता है ये बंधु। मैंने कम से कम 25 बार कहा होगा मैं नहीं जा रही, मैं लौट रही हूँ, मैं नहीं जा रही, ऐसा घटिया सा ट्रैक है, ये है वो है, लेकिन ट्रैक का मतलब ही वही होता है ना, वाइल्ड, अनएक्सपेक्टेड, कठिनाइयों से भरा हुआ। तो बेसिकली चढ़ते चढ़ते जब एक दो ब्रेक के बाद मंदिर पे पहुँचे और हमें एक बंदा नहीं मिला, तब मेरा डरना थोड़ा बढ़ा कि भाई ये इस रास्ते पर कोई मिलने वाला नहीं है कि भैया दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, भैया और कितनी दूर है, नो बडी वॉज देयर। और धीरे धीरे जैसे जैसे जंगल में हम जाने लगे मुझे जंगली जानवर का डर लगने लगा, क्योंकि मैंने सुना था कि पहाड़ों पर अभी भी जंगली जानवर हैं। अब अभी तक मुझे पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, पर इसकी कहानी फिर बाद में बताती हूँ। मंदिर के बाद एक ऐसी जगह आई जहाँ पे हमको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, तो बंधु ने कहा हाँ मैं जाता हूँ, तो वो मेरी सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखता है, तो उसने बोला मैं पहले इस रास्ते पर जाता हूँ, अच्छा हुआ तो मैं तुमको बताऊँगा, फिर तुम पीछे पीछे आना। भाई साहब वो चला तो गया रास्ता देखने और इतना बुरा अटका कि मैं उसको ये भी नहीं बोल पा रही थी कि नीचे आ जा, या मैं ये भी नहीं बोल पा रही थी जल्दी ऊपर जा, नहीं, वो एकदम स्टक हो गया था और मेरी वो देखकर हालत ख़राब हो रही थी। फिर बंधु ने कहा तुम आगे से रास्ता अकेली ढूंढ पाओगी तो ढूंढो, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे उसी समय लग रहा था मैं चीखूँ चिल्लाऊँ और खूब लड़ूँ कि ये क्या तरीका है यार, तुम गए ही क्यों। पर फाइनली बहुत पेशेंस के साथ चलते रहने पे और टेंशन नहीं करने पे, आपको बताऊं वहाँ पर एक ही साथी है जो आपका साथ देता है, वो है निडरता, और सबसे बड़ा दुश्मन है वहाँ पे हड़बड़ाहट। कमलगढ़ फोर्ट अगर आप चल रहे हैं या कोई भी ट्रैक कर रहे हैं ना, अगर घबरा गए ना तो पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और जो ट्रैकर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक अस, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हमारे और आपके जैसे हैं, नॉर्मल लोग जो अभी अभी ट्रैकिंग करना शुरू किए हैं या शौकिया करना चाहते हैं। मैं तो बेसिकली
कह सकती हूँ कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं ट्रैकर नहीं हूँ, और मुझे हिस्ट्री में भी ट्रैवल करना पसंद है। अब हिस्ट्री क्या है ना, ये ऊंचाई ऊंचाई तक जाकर बस गई है, तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे तो देखना पड़ेगा ना वो जगह। मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब थी, अभी भी खराब ही हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिया स्कूल और मेरे वो टीचर्स ने। उनको ऐसे पढ़ाना चाहिए था, हिस्ट्री पढ़ाना है तो दिखाओ ना, जगह दिखाओ, फिर सवाल मन में आए, फिर उस जगह को महसूस करो कि कैसे होता होगा। मैं तो एजुकेशन मतलब पूरा लेवल ही चेंज कर दूंगी, एजुकेशन सिस्टम को बदल डालो। कहाँ थी मैं? जैसे मैं बातों में कहीं से कहीं घूम जाती हूँ ना, वैसे ही मैं पहाड़ों में कहीं से कहीं घूम रही थी। बहुत भटकी हूँ, बहुत भटकी हूँ, और भटकते भटकते किसी तरीके से हम उस गांव पे पहुँचे जहाँ पे मेन राइट जो कहते हैं स्पॉट, उस जगह पे जाने के लिए, फोर्ट तक जाने के लिए वो राइट स्पॉट था। वो एक विलेज है, नाम नहीं पता, वो कमलगढ़ विलेज ही है मेरे ख्याल से। वहाँ पे एक फैमिली है, दो हर्ड्स हैं, और खेत के लिए वाड़ा हरे रंग का वो लगाया हुआ उन्होंने। वहाँ पहुँच कर हमें थोड़ा जान में जान आया, वहाँ पे हमें जान में जान डालने के लिए ताक मिला। ताक बोले तो छास, वो भी घर का बना हुआ, वहाँ पे पशु था। और पता है मैंने देखा, जिस घर में वो लोग रहते हैं उसी घर में उन्होंने गाय बैल भी बांधे हुए थे। लौटते वक्त बंधु ने बताया कि वहाँ जंगली जानवर आते हैं ना, इसलिए पशुओं को बाहर नहीं छोड़ते, उनको भी अंदर घर के अंदर रखते हैं। और सोचो उस रास्ते पर मैं कैसे निकली हूँ। डर तो अंदर से था कि कहीं से कोई लेपर्ड या कुछ ना आ जाए, लेकिन डर कर कुछ कर नहीं सकते थे, तो चलते गए। और जब हम एक जगह पे पहुँचे जहाँ पे मुझे लगा कि अब यहाँ से क्या करें, वो वीडियो में ठीक ठीक दिखा नहीं है क्योंकि हम लोग शूट करने के लायक नहीं थे उस टाइम पे, बिकॉज वी वर फाइटिंग एक दूसरे से नहीं, खुद से, कि चलना है। ये एक छोटा सा पैच है जो यहाँ से इस छत तक होगा, और एकदम स्ट्रेट रॉक है जिस पे आपको रॉक क्लाइंबिंग करके चलना है, जो बचपन में आप चलते हैं। लेकिन बचपन वाले में अलग बात है ना यार, गिर विर गए तो फिर भी ऐसे झाड़ झूड़ के खड़े हो जाते हैं। अब इस एज में हम लोग गिर जाएं, और वो भी कहाँ गिरने का, मौत के कुएं में, नीचे खाई है। तो वहाँ लगा कि क्या करें, क्या समझदारी क्या है। तो हमने समझदारी ये लिया कि शांत पहले मन से वहाँ बैठे, थोड़ी बहुत नानुकुर की, और लास्ट में जब मैंने खुद को पाया कि यस आई कैन डू इट, मतलब मुझे बंधु ने नहीं कन्विंस किया, मैंने खुद को ही देखा कि हाँ मैं शायद ट्राई कर सकती हूँ, तो ऑफकोर्स बंधु के सपोर्ट से मैं ऊपर क्लाइंब करके पहुँची। वो शूट नहीं कर सकते थे बिकॉज हमारे पास गोप्रो नहीं था, वरना मैं शूट करती वो या शायद होता भी तो नहीं करती, क्योंकि जो मन की कंडीशन थी ना बहुत अलग था, बहुत अलग, डरा हुआ, थका हुआ। तो हमने वो पैस जब क्रॉस किया तब जान में जान आया। ऊपर है एक और पैस आता है जहाँ पे स्टेयर्स है, और मुझे लगता है ना वो स्टेयर वहाँ स्ट्रीट रॉक क्लाइंब की जगह पे भी लगाना चाहिए, फिर पब्लिक के लिए बहुत इजी हो जाएगा, ऐसा है ना। फिर क्या हुआ कि हम ऊपर पहुँच गए, और ऊपर पहुँचे तो भाई साहब हमको लगा हम तो पहुँच गए, पर उसके नीचे भी कुछ था। वो उसको लाल मिट्टी का कुआँ कहते हैं, या उसको रेड स्टोन का खान भी कहते हैं, खदान, हाँ, उसकी उसके लिए वहाँ कुड़ाई करती थी। पर जो वहाँ के लोकल्स हैं वो कहते हैं कि वो मेडिसिनल वैल्यू रखता है वो मिट्टी, और वो वहाँ से लेने जाते हैं। अब भी गांव के लोगों का एक अपना बिलीफ होता है, उनका अपना सिस्टम होता है, तो वो उस पर्पज से वो यूज़ करते हैं। मुझे बेसिकली नहीं पता कि क्या होता होगा, बट मुझे कभी कभी लगता है कि जो लोकल्स हैं वो अपने लोकल एरिया के बारे में अलग तरीके से जानते होंगे और ज़्यादा जानते होंगे, सो आई डोंट नो। मैं रोते धोते उसके अंदर उतरी। बाय गॉड, मुझे कौन मार रहा था उस समय कि मैं जा रही थी, कोई ज़रूरी तो नहीं था जाने का, पर मुझे अंदर से लग रहा था वो जो लाइन सारा मैं बोलती हूँ ना, डर के आगे जीत है और फलाना ढिमकाना, मैं जो बोलती हूँ मुझे लगता है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ज्ञान दे दिया और खुद की बारी आई तो बस काँप करके छोड़ दिया। मैं हार्डली वहाँ पे 2 मिनट रही होंगी, एंड आई प्रेड देयर, आई डोंट नो व्हाई,
मैंने क्यों प्रेयर किया, मतलब वो किसी किसी को फनी भी लग सकता है, पर सच बता रही हूँ, वहाँ जाकर फन गायब हो गया था। वहाँ पर एक अलग प्रकार का अंदर से ना कन्वर्सेशन चल रहा था कि इस जगह पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री रही होगी। अगर इसको डेथ फोर्ट कहते हैं, अगर प्रिजनर्स को रखते हैं, रखते थे, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हिस्ट्री रही ही होगी। सो आई प्रेड फॉर देम। हिस्ट्री जो भी हो, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे ना, तो आपके खुद के दिमाग से कुछ ना कुछ कहानियाँ चलेंगी। तो एनीवेज, कहानी ये है कि मेरा गेहूँ एक पानी से तो धुल चुका है और दूसरे पानी से भी धुल रहा है। तो मैं कहाँ थी, तो बैक टू, अब हम लौटते हैं नीचे के रास्ते। भैया, नीचे के रास्ते में उतरते वक्त मुझे एक ही बात का डर था कि मैं जाते वक्त तो बहुत वो घोड़े को ऐसे लगा होता है ना, दाएं ना बाएं, बस देख कर चलते जाओ क्योंकि पहुंचना था। लौटते वक्त जब मैं नज़ारा देख रही थी दाएं बाएं, तो मुझे लग रहा था, ओ गॉड, मैं यहाँ से निकली हूँ, अगर एक पैर स्लिप हुआ तो मैं कहाँ पहुँचती, लुढ़कती लुढ़कती जाती मैं नीचे। तो खैर, फिर हम लौटे नीचे। थैंकफुली हमें एक फैमिली मिली जो कि माँ और बेटी थी, आरती और सुनीता दी। वहाँ उन्होंने हमसे बातचीत करने के लिए हमको बिठाया थोड़ी देर, और हमको भी लगा कि उनको भी राहत मिल रही है और हमको भी राहत लेने की ज़रूरत थी, सांस ले लिया वहाँ पर। और उन्होंने हमें चाय ऑफर किया। हमारे पास कुछ कैश नहीं था, इसलिए मैं जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे लगा हम देंगे क्या। पर उनका प्यार इतना ज़्यादा था, और ऐसे वो बोल रहे थे कि नहीं आओ ही, ऐसे कैसे आप पूरे दिन भूखे रहकर जा सकते हो, एक कप चाय तो पी लो, कमलगढ़ फोर्ट हमको पता है कितना तकलीफ वाला है। और दीदी ने पता क्या बोला, 20 साल हो गए उनके शादी को उस गांव में रहते हुए, पर आज तक कमलगढ़ फोर्ट नहीं देखा। मैंने पूछा क्यों, नहीं रे बाबा, डर लगता है। उनके बच्चे गए हैं लेकिन वो नहीं गई हैं। खैर, तो कमलगढ़ कनेक्शन ये रहा कि वो हमको अपने घर ले गई। घर जाते वक्त उन्होंने बहुत सारा गाय का चारा लिया। पता नहीं मेरे मन में क्या आया था उस वक्त कि मैंने कहा कि चलो मैं भी कुछ उठा लेती हूँ। उन्होंने मना किया क्योंकि रास्ता बहुत फिसलन है, उनका अब तक प्रैक्टिस होने के बाद भी पैर स्लिप करता है क्योंकि रास्ता स्लिपरी है। तो मेरे जितने बस में था मैंने वो उठाया। पता नहीं उससे कोई ख़ास मदद उनको क्या मिली होगी क्या नहीं, पर मुझे बहुत अंदर से इच्छा हो रही थी, क्यों आई डोंट नो, मैंने शायद शायद मैं एक होना चाहती थी, मैं बीच का जो गैप था ना वो हटाना चाहती थी, मैं वही काम करके उनके जैसा होकर के उनमें मिलना चाहती थी, मे भी इसलिए मैंने वो किया। तो खैर, वो लेकर हम लोग घर गए, फिर दीदी ने चाय पिलाया हमें वहाँ पर, उन्होंने गिफ्ट दिया, उन्होंने चावल और मूंगफली हमें गिफ्ट दिया। एंड दैट वाज लाइक, मेरे लिए उस समय वर्ड्स नहीं था, मैं ना मना कर पा रही थी और ना मैं वो ले पा रही थी बिकॉज़ मैं बिल्कुल खाली थी और मेरी जेब में सिर्फ वही 50 रुपीज़ थे जो छाछ के लिए वहाँ बच गया था। अब वो 50 रुपीज़ क्या ऑफर करूँ, आई कांट। वो प्यार का एक्सचेंज चल रहा था तो मैंने उसको पैसों से नहीं आका, मैंने कुछ नहीं दिया, पर मैंने आरती को थप्पड़ लगाकर ब्लैकमेल करके, जो मेरे पास 50 रुपये थे, मैंने उसको दिया कि तुम कुछ चाय या बाहर से कुछ मंगा कर खा लेना। बेसिकली बदले में हमने कुछ नहीं दिया है, लेकिन बदले में हमने उनको वादा किया है कि हम दोबारा आएंगे ज़रूर, क्योंकि वो हमको खाने पे रोक रहे थे और खाना हम नहीं खा पाए क्योंकि हम बहुत थके हुए थे, हमको घर आकर शावर लेना था, कांटों से भरी हुई थी मैं, कितनी जगह कटे हुए हैं मेरे पैरों में और हाथों में, मैं बता नहीं सकती, जैसे ही नमक या नींबू लग रहा है ना, पता चल रहा है कि कितना कटा हुआ है। तो हम जाएंगे वहाँ खाने पे क्योंकि ज़ुबान ज़ुबान होती है ना, कह दिया है तो चलेंगे। तो बेसिकली मैंने वहाँ की हिस्ट्री को तो टच ही नहीं किया कि वो स्क्वायर फोर्ट है, वो जो ऊपर है ना वो बिल्कुल स्क्वायर शेप में है, और वहाँ के बारे में मैंने कुछ भी जिक्र नहीं किया क्योंकि वहाँ मैं डर को इनकाउंटर कर रही थी और डर से ज़्यादा मैं डेथ को इनकाउंटर कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ही जाए। तो क्या ये मेरी आखिरी स्टोरी जा रही है, लिटरली ये सब मन में चल रहा था।
तो मैं वहां के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाई। कोई भी वहां के बारे में ज्यादा नहीं बता पाएगा क्योंकि वहां के बारे में ज्यादा कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। कि जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री है या इन्फॉर्मेशन है वो आपको विकिपीडिया पे या हमारे ब्लॉग में नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ देख लेना, ठीक है। पर जो डर और एक्सपीरियंस और हिम्मत जो है वो आपको कहीं भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। वो देखने के लिए आप हमारा ब्लॉग ज़रूर देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ जाने में क्या क्या फेस कर सकते हैं आप। और अगर ऐसा फेस नहीं करते हैं, आप निडरता से जाते हैं, तो आप बहुत निडर हैं, वो पैरामीटर है। हम अभी अपने दिन का काम शुरू कर चुके हैं बहुत लेट से, शरीर में बहुत थकान है, मन बहुत तंदुरुस्त फील कर रहा है लेकिन शरीर नहीं। मॉम देखो यार, कभी मैंने ये सब काम में माँ का या दादी का हाथ नहीं बटाया, और आज जब ये बारी आई कि मैं ये सब कर सकती हूँ तो ये सब करने की सुविधा ही नहीं है, मतलब शहर में अपने घर पे। पर कहते हैं ना, कभी देर नहीं होता, जहाँ मौका मिले वही वो काम कर डालो। मैं आती हूँ आटा पिसवा कर, मतलब दे देती हूँ, तुम गाड़ी निकालो फिर चलते हैं। आ रही हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से। बोरी से लौटेंगे तब हम ले लेंगे, मीठा हो जाएगा ना वो भी। हाँ हो जाएगा। अरे कैसे हो शेव? शेव है ना ये सूरज। सुबह की मेहनत आटा में परिवर्तित हो चुका है। ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैंने उगाया है। आटा तो बनवा लाई लेकिन रोटी नहीं बनाया क्योंकि इतनी थकान है। तो आज वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि हमने थोड़ा सा थकान मिटाया है, और अब गरम गरम हल्दी वाले दूध पीऊँगी। बंधु भी पिएगा। सबको लगता है ना कि मैं दिखती हूँ तो बंधु दिखता नहीं है, तो पता नहीं उसने ठीक से खाया है या नहीं, वो आराम कर रहा है या नहीं। तो बता दूँ कि बंधु भी ठीक है, वो भी अच्छे से खा पी कर आज आराम करने वाला है। कल हम लोग तरोताज़ा होकर मिलेंगे। आई होप कि कल हम लोग तरोताज़ा हो जाएंगे और फिर मिलेंगे उछलते कूदते। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय भारत, शब आखिर।